कई दशकों से रूस हमारा सच्चा दोस्त है। दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। कैसे स्टालिन को आजाद भारत साम्राज्यवादी शक्तियों की कठपुतली लगता था, कैसे बाद में राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन ने इसको सिरे से बदल दिया। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत और रूस की मित्रता आज की नहीं है, कई साल पुरानी है और इसी दोस्ती को निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस दौरे पर भी रहते हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। कई दशकों से रूस हमारा सच्चा दोस्त है। दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये संबंध बनते बनते समय लगा। 1950 के दशक में जब स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव ने गद्दी संभाली तो उन्होंने बेहतर संबंधों के लिए प्राथमिकता में भारत को हमेशा चीन से आगे रखा। वैसे ये जानना रोचक है कि कैसे स्टालिन को आजाद भारत साम्राज्यवादी शक्तियों की कठपुतली लगता था, वो नेहरू और गांधी को भी ब्रिटानियों का सहयोगी मानते थे, कैसे बाद में राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन ने इसको सिरे से बदल दिया। वैसे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ख्याति एक शिक्षक के रूप में थी, साथ ही उन्हें एक दार्शनिक के तौर पर भी विदेशों में खूब सराहाया गया। वो एक राजनयिक के रूप में पैने और चतुर थे। माना जाता है कि इस पूरे मामले में वो चाणक्य परंपरा का अनुसरण करते थे। उन्हें मालूम था कब कहाँ क्या करना है। सोवियत संघ में जब उन्हें राजदूत बनाकर भेजा गया तो उन्होंने भारत के खिलाफ बह रही उल्टी हवा को बदलने का काम बखूबी निभाया। रूस में लंबे समय तक रहे अशोक कपूर ने अपनी किताब द डिप्लोमेटिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एशियन स्टेट्स में लिखा है कि साल 1950 में राधा कृष्णन को मॉस्को में राजदूत के रूप में भेजा गया तो उनका काम बहुत मुश्किल था। सोवियत संघ और तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन भारत के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई प्रगाढ़ता नहीं थी, बल्कि कहना चाहिए कि संबंध थे ही नहीं। मॉस्को में भारत की छवि नकारात्मक बनी हुई थी। उन्हें लगता था कि आज़ादी के बाद भी भारत साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। मॉस्को के अखबार भारत को साम्राज्यवादियों का पिछलग्गू मानकर खबर लिखते थे। भारत ने विजयलक्ष्मी पंडित को आज़ादी के बाद सोवियत संघ में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। उन्होंने स्टालिन से कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन उन्हें अनुमति ही नहीं दी गई। स्टालिन उन्हें एरोगेंट और कुछ ज़्यादा ही अभिजात्य मानते थे, लिहाजा विजयलक्ष्मी पंडित 2 साल तक मॉस्को में केवल भारतीय दूतावास तक सीमित रहीं। नतीजतन वो 2 साल बाद ही वहाँ से बेरंग लौट आई। लोगों का मानना है कि स्टालिन उनसे नाखुश ही रहा। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि जब राधा कृष्णन को विजयलक्ष्मी की जगह मॉस्को भेजा गया होगा तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। मॉस्को से जाने से पहले राधा कृष्णन संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे। अब उन्हें स्टालिन को साधना था, जो बहुत मूडी भी था और दिमाग में अगर कोई धारणा बिठा ली तो जल्द उससे बाहर भी नहीं निकलते थे। उन्होंने भारत और नेहरू के खिलाफ एक नकारात्मक धारणा भी बनाई हुई थी। राधा कृष्णन चालाक शख्स थे, वो दार्शनिक भी थे। उन दिनों रूस में दार्शनिकों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, लिहाजा उन्होंने मॉस्को में खुद को अलग और खास दिखाने के लिए अपनी इस छवि को बनाने की कोशिश की। मॉस्को के राजनयिक सर्कल में उन्हें और उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि वो रात में केवल 2 घंटे सोते हैं, रात भर दर्शन की किताबें लिखने में बिजी रहते हैं, दिन में राजनयिक की भूमिका निभाते हैं, वो रहस्यपूर्ण शख्सियत बन गए। ये प्रचार बहुत काम आया, राधा कृष्णन की एक अलग छवि सोवियत संघ में बनने लगी। जब उन्होंने स्टालिन से मिलने का समय मांगा तो तुरंत समय मिल गया। भारतीय दूतावास के विदेश मंत्रालय को भेजे गए केबल में कहा गया कि पहली मुलाकात बहुत उपयोगी रही, जिसने भारत के बारे में स्टालिन की ढेर सारी धारणाएं बदल दी। उन्होंने भारत के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर किया। आदत के खिलाफ इस मुलाकात में स्टालिन हंसे और अनौपचारिक भी हुए। स्टालिन को लगता था कि भारत में अंग्रेजी भाषा का राज चलता है। उन्होंने पूछा, आपके यहाँ कौन सी भाषा में काम होता है? राधा कृष्णन ने चतुराई से जवाब दिया कि देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। इस पर सोवियत प्रमुख खुश हुआ। अगर राधा कृष्णन का जवाब अंग्रेजी होता तो शायद स्टालिन को अच्छा नहीं लगता। राधा कृष्णन ने 2.5 साल बाद मॉस्को से कूच किया। उन्हें 8 अप्रैल को वापस भारत लौटना था। इससे महज 3 दिन पहले उन्होंने स्टालिन से मिलने की कोशिश की, समय मिल गया। स्टालिन विदेशी राजदूतों को मिलने के लिए काफ़ी इंतजार कराया करते थे। वो काफ़ी हद तक भारत के बारे में एक अलग तस्वीर स्टालिन के सामने पेश कर चुके थे। साथ ही नेहरू और मॉस्को में वे भी करीबी लाने में सफल रहे थे। अपनी आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने भारत के बारे में बची कुची भ्रांतियों को दूर किया।
इसी के चलते सोवियत संघ और भारत इतने करीब आ गए। 1951 में सोवियत संघ ने भारत के समर्थन में कश्मीर विवाद पर अपनी वीटो शक्ति का भी इस्तेमाल किया था। बाद में स्टालिन ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा कि आप और नेहरू दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन नहीं मानते, हमारी दोस्ती की नीति बनी रहेगी, आप हमारी मदद पर भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे हुआ भारत और रूस के बीच दोस्ती का सफर शुरू। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।